हेलो भाई, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आर सो डूइंग वेल। वेलकम टू व्हीकल 24 चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे TVS राइडर के बारे में। तो TVS राइडर जो है वो 125cc की FI टेक्नोलॉजी पर आधारित एक स्पोर्ट बाइक है, जिसमें आपको बहुत ही जबरदस्त स्पोर्टी लुक मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें LED हेडलैम्प मिलता है, LED टेल लैम्प मिलता है, जो आपका साइड इंडिकेटर है वो अभी हेलोजन बल्ब भी मिलते हैं। इसमें जो टायर्स हैं वो फ्रंट में जो है वो टायर जो है फ्रंट और रियर में जो है डिफरेंस मिलता है। जो रियर का टायर है वो फ्रंट के पीछे चौड़े मिलते हैं, जिससे कि गाड़ी की बैलेंसिंग बहुत अच्छी रहती है। और जो दोस्तों इसका जो रियल टाइम माइलेज है वो आपको 55 से 60 के बीच में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस बाइक की जो ओपनिंग है वो अभी दीपावली के टाइम पर हुई थी, तो इसके वजह से इसमें चार कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको येलो, ब्लू और उसके अलावा आपको येलो ब्लू और उसके अलावा ब्लैक और उसके अलावा आपको रेड कलर देखने को मिलता है। और उसमें भी ये गाड़ी ब्लैक कलर में बहुत ही शानदार दिखती है। उसके अलावा आप देखोगे तो इस गाड़ी की जो सबसे खासियत है वो इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, वो भी कलर डिस्प्ले के साथ में। इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें बहुत सारे मॉडर्न फीचर आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, और आप देखोगे कि इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार है। इसमें बहुत सारी कॉस्मेटिक चीज़ें यूज की गई हैं, यानी कि इसमें गाड़ी में फाइबर का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया गया है, जिसकी वजह से इसका लुक और भी शानदार हो जाता है। टैंक पे भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मली आप देखते हो कि कंप्लीट टैंक मेटल का होता है, वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। इसमें प्लास्टिक और मेटल का कम्बिनेशन यूज किया गया है। साइड काउल भी आपको देखने को मिलते हैं, जिससे इसका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है। दोस्तों, अभी इस बाइक के मिलने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, कहीं कहीं बाइक अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो उसका रीज़न यही है, चिप शॉर्टेज की वजह से गाड़ी जो है अवेलेबल नहीं हो पा रही है। इसमें आपको ECU देखने को मिलता है, जो कि सारे इनपुट सिग्नल जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पहुंचाता है, जहां पर आप उसका डिस्प्ले देखते हो। यानी कि आपको डिस्प्ले में जो गाड़ी की स्पीड है, गाड़ी का एवरेज है, माइलेज है, बहुत सारा कुछ डिजिटली देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसको हम मोबाइल ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये गाड़ियों में जो फैसिलिटी है वो देखने को नहीं मिल पा रही है। कुछ गाड़ियों में देखने को मिल रही है, तो आगे देखो फ्यूचर में गाड़ियाँ आएंगी उनमें ये कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और इसमें आप नेविगेशन और आप कॉल और SMS का भी आप पता कर सकते हो चलती हुई गाड़ी पे कौन कॉल कर रहा है। तो ये सारे मॉडर्न फीचर आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, और होप सो कि 2022 में आपको ये सारे फीचर देखने को मिलें। तो दोस्तों, आप लुक देख ही रहे हो, इसका जो लुक है वो बहुत ही डिसेंट है। और जहाँ तक बात करें, फ्रंट में इसके डिस्क ब्रेक भी अवेलेबल है। तो अभी जो टॉप मॉडल आया हुआ है उसमें कुछ सारे फीडबैक थे, जैसे कि आपका गियर का इशू था थोड़ा सा, उसके अलावा जो फ्रंट डिस्क ब्रेक था वो सही से काम नहीं कर रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अब इम्प्रूव होकर आगे देखने को मिलेंगी। बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है, कुछ चीज़ें स्पोर्ट की वजह से नहीं है, जैसे कि आपको इसमें चेन कवर नहीं मिलता है, मडगार्ड नहीं मिलता है, किक नहीं मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्पोर्टी लुक की वजह से इसमें नहीं रखी गई हैं। हाँ, एक चीज़ और है, इसमें इंजन कूलिंग स्विच नहीं मिलता है, तो वो हो सकता है हमें आगे वाले टाइम में देखने को मिले। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।